मैप्स एक्चुअली हमारे लिए बहुत इंपॉर्टेंट होते हैं बिकॉज इट हेल्प्स अस टू लोकेट प्लेसेस. यू कैन फाइंड आउट मैप एक्चुअली में क्या होता है, किसी भी एक लोकेशन की, अर्थ की किसी भी पार्ट की या फिर पूरे होल अर्थ की एक तरह से एक पेपर पे ड्राइंग होती है, उसे हम मैप कहते हैं, जो हमें हेल्प करती है टू लोकेट प्लेसेस, प्लेसेस को लोकेट करने में, टू फाइंड लोकेशंस. एंड इवन यू नो दैट द वेरी ट्रेंडिंग दैट इज गूगल. गूगल मैप्स आपने यूज किए, इफ यू गो टू सम प्लेस, अगर आप किसी प्लेस पे जाते हो, यू यूज दैट. वो क्यों यूज करते हैं? बिकॉज आपको वो लोकेशंस की पता बताता है, आपको बताता है कि वो क्या डायरेक्शन है वहाँ जाने का. तो दैट इज वॉट आई मैप. मैप हमारे लिए बहुत यूजफुल होता है एंड इन दिस टाइम, इन दिस एरा, इट इज़ वेरी इंपॉर्टेंट. बिकॉज हमारे पास अगर मैप है, वी डोंट नीड टू गेट गो हेयर एंड देयर. आपको इधर उधर जाने की जरूरत नहीं किसी से. इवन हम बोल रहे हम किसी से रास्ता पूछते हैं, वे पूछते हैं कि हाँ जाने का क्या रास्ता है. यू डोंट नीड टू डू इट एट ऑल. यू कैन यूज योर गूगल मैप एंड गो फॉर दैट. मैप्स हमारे पास दो तरह के होते हैं, मोस्टली दैट इज पॉलिटिकल मैप एंड फिजिकल मैप. वन मोर नाउ अबाउट पॉलिटिकल मैप एंड फिजिकल मैप. आपको पॉलिटिकल मैप इज अ काइंड ऑफ मैप विच स्टेट्स which actually show the names of the states and union territories along with their capitals, okay, capitals ke saath. And physical map actually shows us the bridges, hills and all the landmarks of the country, okay. So that's all short explanation. Now we get into the physical map, that about the political map, sorry. We get into the political map, that where are the states and their capitals and also about the union territories. Okay, let's go. Learned about the Jammu Kashmir, Ladakh, that these both are our union territory. Pehle Jammu and Kashmir hamare states mein include hota tha, but now it is converted to union territory. This is Himachal Pradesh and its capital is Shimla, and this is Chandigarh. Then I mean Punjab. Okay, now you can see this portion. This portion is what? This is, let me take it out. This portion is Uttarakhand. And Uttarakhand is, and the capital of Uttarakhand is Dehradun. Okay, now this is Uttarakhand, and here we comes Haryana. यहाँ पे हमारा हरियाणा है and यहाँ दिल्ली रहता है. This is Haryana. Let me take it out also. This is what Haryana, and this is Delhi. This is Delhi. हमारा दिल्ली है and this one bigger one part is उत्तर प्रदेश. ये हमारा क्या है? दिस इज उत्तर प्रदेश. एंड उत्तर प्रदेश की कैपिटल, यू ऑल आर वेरी वेल अवेयर अबाउट दैट, दैट इज लखनऊ. ओके, दिस बिगर पोर्शन, दिस इज द एरिया ऑफ राजस्थान. ये हमारा राजस्थान है, विच इज हैविंग अ लार्जेस्ट एरिया. एंड इसकी कैपिटल क्या है? जयपुर. गुड टू नो. नाउ दिस इज गांधीनगर. Okay, it is not visible, might be, but try. I am trying to do this. This is Gujarat, jiski capital kya hai? This is Gujarat, and iski capital Gandhinagar hai. This one portion, we used to say it Madhya Pradesh. Madhya Pradesh. Aur aap log ise kaise remember kar sakte ho? You can remember it like this is in Madhya, beech mein hai na? Madhya means beech mein. So you can remember it like this is Madhya Pradesh. Madhya Pradesh ke paas Uttar Pradesh hai. And it is also joining Rajasthan. Rajasthan Uttar Pradesh ko join karta hai Delhi and Haryana. Is tarah se aap easily remember kar sakte ho. Okay, this portion is also Nepal. नेपाल, दिस इज अ नेबरिंग कंट्री. हमारी नेबरिंग कंट्री है, दैट्स वाई आई बॉर्डर इट विथ पर्पल. यू कैन सी द पर्पल कलर हियर. ओके, द पर्पल कलर एवरीवेयर इज शोइंग द नेबरिंग कंट्री, द बॉर्डर विद द नेबरिंग कंट्रीज. हमारे जो नेबरिंग कंट्रीज के साथ इंटरनेशनल बाउंड्री कह सकते हैं हम इसे. इंटरनेशनल, इट इज़ अ काइंड ऑफ इंटरनेशनल बाउंड्री. ओके, हाँ, सेम इसी प्लेस पर ये जो हमारा है, दिस इज वॉट, दिस इज सिक्किम. दिस इज सिक्किम. एंड इसकी कैपिटल क्या है? गैंगटॉक. एंड हियर दिस इज अरुणाचल प्रदेश. हमारे हिमालयस यहाँ से शुरू, जम्मू एंड कश्मीर से शुरू होकर कहाँ खत्म होते हैं? अरुणाचल प्रदेश, यानी कि नॉर्थ से होते हुए इट गोज टू नॉर्थ ईस्ट. ओके, नाउ अरुणाचल प्रदेश की कैपिटल क्या रहती है? ईटानगर. क्या रहती है? ईटानगर. एंड दिस इज वन ऑफ द सेवन सिस्टर्स. वी हैव डिस्कस्ड अबाउट सेवन सिस्टर्स. दिस इज अमोंग देम. Okay, so this one place is Bhutan. This is also a country.
बिलो दैट यू कैन सी दिस ब्लू पोर्शन इज असम. ये हमारा ब्लू पोर्शन असम है एंड इसकी कैपिटल क्या है, दिस टोल्ड यू इन द क्लास. दिस ग्रीन पोर्शन इज नागालैंड एंड इट्स कैपिटल इज कोहिमा. वेरी गुड. नाउ दिस पोर्शन इज बांग्लादेश. दिस इज ऑल्सो अ नेब. दिस इज अ बांग्लादेश एंड यू कैन सी दिस वन पोर्शन इज बिहार. दिस इज ऑल्सो टच्ड बाय उत्तर प्रदेश. बिहार दैट मीन्स पटना. द कैपिटल इज पटना. एंड देन बिलो दैट दिस एरिया कैन सी दिस इज अ झारखंड. दिस इज झारखंड. लेट मी राइट इट आउट फॉर यू. दिस इज झारखंड एंड इट्स कैपिटल इज रांची. दिस ऑरेंज पोर्शन इज वेस्ट बंगाल and its capital is Calcutta. Okay, this one portion Odisha with the capital Bhubaneswar. This is Telangana with the capital Hyderabad. This is Andhra Pradesh with the new capital. Pehle iski bhi capital kya thi, Hyderabad, but now its capital is Amravati. This is Karnataka with the capital Bengaluru. This Tamil Nadu with the capital, yes, Chennai. And this one small part is of Kerala. Kerala, its capital is Thiruvananthapuram. And this small portion is Goa with the capital Panaji. Okay, now this is the biggest one area, that is Maharashtra with the capital Mumbai. ओके, ये मैंने मेन आप लोगों को स्टेट बता दी हैं, बट द स्मॉलर वंस आर ऑल्सो हियर लाइक मेघालय इज दिस इज मेघालय विद द कैपिटल शिलोंग. राइट, नाउ दिस इज ऑल डिस्कस. दीज आर ऑल आर कैपिटल्स विद द स्टेट्स विद द कैपिटल. दिस इज वन मोर. दिस इज छत्तीसगढ़ विद द कैपिटल रायपुर. वेरी गुड, रायपुर. Good. So this is what about our map of India. This is the political map of India, which actually states us all the name. So let's revise again with the union territories. That is Jammu and Kashmir, Ladakh, this Chandigarh, Delhi, and also about this one, which I have not wrote down. Let me write it down for you. That is Daman and Diu, and Dadra and Nagar Haveli. Hopefully it is visible, otherwise you all are very well aware about it. Here we are having Lakshadweep, and this portion is of Andaman and Nicobar. So these all, and is anyone remaining? No, we have done with the 8 of our union territories and about the states and their capitals.